दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें प्लास्टिक का गिलास या प्लास्टिक की बोतल में पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि प्लास्टिक के कप में चाय और कॉफ़ी क्यों नहीं पीनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि किस बर्तन में हमें पानी चाय कॉफ़ी पीना सही होता है। तो दोस्तों क्या है कि देश विदेश में लोगों ने डिस्पोजल गिलास को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करना शुरू कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है। और आजकल यही कारण है कि लोग छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं, और इन्हीं गलतियों के चलते होता यह है कि हमें शरीर में घातक से घातक रोग पैदा होना शुरू होते जा रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं कि हम तो बहुत ही सावधानियां बरतते हैं, फिर भी हमें कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ क्यों होती जा रही हैं। किंतु दोस्तों जानकारी के अभाव के कारण हम बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होती जा रही हैं। अब जैसे कि पानी गर्म हो या ठंडा हो, चाय हो या कॉफ़ी, हम बहुत ही आसानी से प्लास्टिक गिलास में पीना शुरू कर देते हैं। जबकि प्लास्टिक चाहे किसी भी तरह की हो, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि प्लास्टिक केमिकल और बैक्टीरिया से भरी हुई होती है। प्लास्टिक फ्लोराइड, आर्सेनिक और एल्युमिनियम जैसी पदार्थ भी रिलीज करती है, जो कि हमारे शरीर के लिए जहरीले होते हैं। तो प्लास्टिक बोतल गिलास में पानी या चाय कॉफ़ी पीना इस तरह से है जैसे हम अपनी सेहत को धीमा धीमा जहर दे रहे हों। अगर हम लंबे समय तक प्लास्टिक गिलास या बोतल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम गर्म चाय, पानी या कॉफ़ी को प्लास्टिक गिलास में डालते हैं तो गिलास से पिघलकर बाईफिनाइल रसायन चाय, कॉफ़ी या पानी के साथ शरीर में जाकर डायबिटीज, फर्टिलिटी जैसी समस्याएं पैदा कर देता है। प्लास्टिक में मौजूद फैथेलेट्स जैसे केमिकल की वजह से लीवर कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है, और इससे स्पर्म काउंट भी घट जाता है। तो जितना हो सके प्लास्टिक गिलास से बचना ही हमारे लिए बेहतर है। तो अगर बात की जाए कि किस बर्तन में चाय, कॉफ़ी या पानी पीना अच्छा होता है, तो हमें तांबा या पीतल के बर्तन में पानी पीना या चाय कॉफ़ी पीना सबसे सही माना जाता है। तो जितना हो सके तांबे या पीतल के बर्तन में पानी, चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी। कमेंट करके ज़रूर बताएँ जानकारी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।